ओ, आप यहाँ भी आ गए YouTube फैमिली मेरा पीछा करते करते, कहीं तो मुझे जाने दिया करो। सो नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो, कैसे हो आप सब, वेलकम टू माय YouTube फैमिली। वैसे तो आप मेरा पीछा करते करते आ ही गए थे, चलो मैं आज दिखाती हूँ मैं कहाँ आई हूँ। मैं आई हूँ ओवन फ्रेश, क्योंकि आज है संडे, माय फंडे, माय चीट डे, तो हम खाएंगे यमी 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 चीज़ी पास्ता। मुझे नहीं लगता नंबर आने वाला है। वेटिंग के लिए मैम 25-30 मिनट लगेंगे। हेलो, हाँ जी सर, अभी लिखवाना नाम दिशा, ठीक है कॉल आ जाएगा। यहाँ पर भी तो वैकेंसी है, हो पास्ता, और मुझे यहाँ ओवन फ्रेश मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट है जो मैं आती रहती हूँ। अब तो काफ़ी कम कर दिया क्योंकि मैं बहुत रेगुलर आती हूँ। वैसे मुझे नहीं पता आप सबको ये सब सुनाई दे रहा होगा या नहीं, बड़ी मुश्किल से अंदर एंट्री हो चुकी है, कोई अपना एक स्पॉट छोड़ के चला गया था, तो हमें सिटिंग मिल गई है। और अगर हम अपनी टेबल चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं जब हमारा नंबर आएगा। आई होप अभी ऑर्डर में कितना टाइम लगेगा, 40 मिनट्स 50 मिनट्स, और ओवन फ्रेश में इतना तो हमेशा लगता ही है। बट आई एम हैप्पी कि मुझे कॉर्नर सेट मिल गई है और मैं अपना मील टाइम एंजॉय कर सकती हूँ और ना मुझे इतनी जल्दी उठना पड़ेगा। सो आई एम सो एक्साइटेड टू हैव माय बिग पास्ता आफ्टर सो लॉन्ग। माना आप सब मेरी फैमिली हो, फिर थोड़ा प्राइवेट हो जाता है। तो आप सब देख सकते हैं मुझे एक सुप्रीम सीट प्रोवाइड करेंगे, फिर मैं एक हीरोइन और सब मेरे से नीचे बैठे हुए। उन्होंने मुझे पहचान लिया था मेरे इंस्टा के थ्रू, तो उन्होंने ये बोला कि मैम आपके लिए हम स्पेशल प्रोवाइड करते हैं, वाली सीट हो पाएगी और काफ़ी भीड़ है। नो इशू, नो इशू, आई एम वेरी प्राउड। पर गाइस एक सेट बार खाने में मुझे जल्दी खाना नहीं प्रोवाइड करे, वही 40-50 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि मैम सब कस्टमर बराबर है, मैं भी समझती हूँ यार, पर तब तक मैं क्या करूँ। फिर मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लेती हूँ। मैंने पहला जो H&M हॉल तो नहीं बनाया था, मतलब H&M में जाके मैंने जो शॉपिंग करी थी, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक डालूँगी। तो मुझे काफ़ी DMs आए थे कि मैम आप हॉल बनाओ, दीदी हॉल बनाओ, तो मैं बनाऊंगी अगर इस ब्लॉग पे मेरे 200 कमेंट्स आ जाते हैं तो आपको मिलेगा। तो गाइस मैं आपको मिलवाती हूँ ओवन फ्रेश पे, आपको इनिशियली आते मिलता है डिटॉक्स वॉल। ध्यान से दिखाइए, ये है मिंट, ये है कुकम्बर जिसको हम खीरा भी बोलते हैं, ये है कैरेट और इसमें ये है लाइम, ठीक है। तो पहले आप डिटॉक्स कीजिए, उसके बाद जंक खाइए, मोटे नहीं होंगे, ये कंसेप्ट है यहाँ का, ठीक है, ज़्यादा सीरियस मत ले लेना। तो अभी हम ये डिटॉक्स, गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर स्किन, सर पे बनाने का कष्ट कौन करेगा यार, बार का ओपियो ऐश करूँ। सुप्रीम ब्यूटी इज हेयर, अभी मुँह से पानी आ गया, चलो खाते हैं पटाखे। Thank you.
रखनी। कैसे छोड़ दो, इतना महंगा था 620 का। और यम्मी गाइज, आई एम डन विद माई फूड और डिनर। मेरी फर्स्ट फेवरेट मील हो चुकी है और सेकेंड मील निकले कर क्या मैं निकले कर जाऊँ केक 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 पर हम खाएंगे कुछ टाइम बाद, क्योंकि मेरे पास एक सरप्राइज है एक और। सो मैं पहले सेक्टर 35 में पीजी में रहती थी और गाइज मैं पहले सेक्टर 35 में अपने पीजी में रहती थी, तो मुझे आज यहाँ पे आके काफ़ी टाइम बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं पहले यहाँ पे एक राउंड दूंगी और फिर मैं जाऊंगी अपने सेकंड स्कूल। हम जब पुरानी जगह आते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, यादें ताज़ा हो जाती हैं। वैसे तो मैं पढ़ रही थी उस टाइम, तो ऐसे कोई घूमती नहीं थी, बट फिर भी मुझे ऑल ओवर सेक्टर 35 का मार्केट सबसे अच्छा लगता है कंपैरेटिवली और चंडीगढ़ की। और गाइस यहाँ पे क्योंकि मैं अपने पीजी में रहती थी तब मैं अपनी तैयारी कर रही थी एग्जाम्स की, तो तब तो इतना नहीं आना जाना होता था, बट आती थी तो मैं यही आसपास मुझे सब मिल जाता था। बर्गर यहाँ पर, पिज़्ज़ा यहाँ पर, चाट यहाँ पर, गोलगप्पे यहाँ पर, आइसक्रीम यहाँ पर और सब ब्रेड मैकडी वोरा, बर्गर किंग वोरा, आगे कॉर्नर में जाके आपको डोमिनोज मिल जाएगा और वहीं पर है। एग्जैक्ट लोकेशन मैं बता सकती हूँ, उधर गोपाल जी है हमारा और यहाँ पर बहुत बहुत टाको बैन जीरा और ये एप्पल का शोरूम। आईफोन खरीद लो, आईफोन दिलवा दो। मैंने आपको आज का अपना आउटफिट नहीं दिखाया, बहुत ही कैजुअल आउटफिट है और मैं सिंपल सी पंजाबी कुड़ी की तरह तैयार हुई हूँ, सिंपल हेयर स्टाइल और ये छोटी सी चोटी और ये बालियाँ। तो आपको मेरा लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। आपने अंकल जैक्स, यार मिनीसो खुल गया यहाँ पर, एक बार जाना है मुझे। क्यूट और थोड़ी सस्ती सस्ती सवारी चीटे करेंगे। सेकंड हमारी थी कॉफ़ी, वैसे तो कॉफ़ी कोई चीटे नहीं होती, बट एवरी मील इज़ इनकम्प्लीट विदाउट टी और कॉफ़ी। तो अभी हम लेंगे सबवे से कॉफ़ी। मुझे सबवे की कॉफ़ी बहुत पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा। और सारी जगह तो है सबवे पे कॉफ़ी, चलो कहीं और जाना पड़ेगा। और गाइस जैसा मैंने आपको कहा था डोमिनोज यहाँ के कॉर्नर पे है, तो हमारे कॉर्नर पे है डोमिनोज और यहाँ का डोमिनोज भी मच 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 बेटर है मोहाली के डोमिनोज। ये कहते हैं कि वहाँ पे 34 तेरे कौन से सेक्टर है कमेंट में करो, आज पता चल जाएगा कौन कितना मोहाली को जाना। क्या
यहाँ पर भी नहीं है। अभी मेरे साथ क्या हुआ, और वैसे आपको सेक्टर पता चल जाएगा, फिर भी देखती हूँ अगर आपको पता चलता है नहीं चलता है। तो अभी मैं आ रही थी तो मुझे ऐसे कोई अनजान ऐसी मैम, मैंने एकदम उसकी तरफ देखा और वो लाइक मैम मैम आपको दो बार आवाज़ लगाई, अपने कान साफ करा दो। तो एक सेकंड के लिए मुझे लगा यार ये कान साफ करने वाले लोग होते हैं क्या, बाद में पता चला यार मेरी टपरी ले रहा था मैम कान साफ करा दो, ऐसे कौन बोलता है यार, तमीज़ नहीं है ना। आज तो सबके भाव बढ़िया है, एक तो कॉफ़ी नहीं मिल रही, चलो मैं कॉफ़ी ढूंढती हूँ। बाय। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। और मेरे पीछे मैस है ऑलरेडी, क्योंकि मैं अकेली क्या क्या संभालूँ यार, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, प्यार करो, अपनी दुआ बरसाओ, मैं भी आप जैसी हूँ, मेहनत कर रही हूँ अपनी लाइफ में डेली सुबह उठ के, और कोशिश कर रही हूँ यूट्यूब पे भी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ। इस टाइम मैं पूरी थक चुकी हूँ, मेरे बैक में पेन हो रहा है, और अभी कुछ टाइम पहले मेरी काफ़ी मेडिकेशन चली है, बट मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ उठूँ, अच्छा कंटेंट दूँ। और हाँ, मैं कुछ बुक्स भी लाई थी, और ये बुक्स लाई थी मैं, जो कि आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में या फिर बाद में बताऊंगी जब मैं इनको पढ़ लूँगी, रिव्यू करूँगी मैं इनके बारे में। मैं काफ़ी टाइम से ये वाली बुक कलेक्ट करना चाह रही थी, पढ़ना चाह रही थी, तो दैट्स इट, मुझे मिल गई। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, लव यू ऑल, टेक केयर, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो कुछ नहीं है, जैसे मैं सफ़र कर रही हूँ फ़िलहाल। और बस मुझे प्यार करो, आप सबकी प्यार की दुआ की ज़रूरत है। लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग के साथ, अंटिल देन बाय बाय बाय।